हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियोस में कई सारे एरर कोड के बारे में आपको जानकारी दी है, ठीक है दोस्तों, सैमसंग हो, एलजी हुआ या लॉयड कंपनी का हुआ, हायर हुआ, मैंने बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड किए हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देखकर उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे बेसिकली आज मैं आपसे जो है E6 जो एरर कोड होता है, जो E6 जो एरर कोड होता है उसके बारे में आज आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। उसके क्या कारण होते हैं और उसको हम कैसे जो है ठीक करें E6 एरर कोड से, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, वीडियो को जो शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं E6 होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारे सामने दोस्तों एक PCB जो है हायर कंपनी की PCB रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। एक हमारे सामने हायर कंपनी की जो है PCB है, इसको हमने जो है हमारे टेस्टिंग बोर्ड में लगा रखा है, जो कि एक प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमारी मशीन जो है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज दोनों तरफ जो है मूवमेंट कर रही है, जिसके अंदर हमने जो है टाइमिंग भी भर रखा है। एक बार मैं इसको ऑफ करता हूँ, आपको चला करके दिखाता हूँ, ठीक फ्रेंड्स। अभी मैंने मशीन को ऑन किया है, ठीक दोस्तों, और मैं इसको जो है ऑन करता हूँ, ठीक दोस्तों। अभी हमारी मशीन जो है चालू हो गई है। अब E6 जो है बेसिकली दोस्तों इसमें प्रेशर स्विच के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। E6 जो है जो प्रेशर जो भी स्विच हो जाओ हमारा ख़राब हो जाता है तो उसको जो है इंडिकेट करता है। अब उसके अंदर भी दो तीन कारण होते हैं जो हमारे, देखिए दोस्तों, हमने जो PCB जो हमने प्रेशर स्विच जो है कनेक्ट कर रखा है इसके अंदर दोस्तों, इसका जो ख़राब होने के जब भी ये ख़राब होता है या इसके अंदर सप्लाई यहाँ पर नहीं आती है तो इसके अंदर जो है ये हमारी PCB जो है E6 एरर कोड जो हमें इंडिकेट करती है, इसके कारण हमें जो है E6 एरर इंडिकेट होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं इसके अंदर ये हमारा जो ये स्विच लगा हुआ ये एक बार हटा के आपको दिखाता हूँ, ठीक दोस्तों। मैं एक बार ये हटाता हूँ, ठीक दोस्तों। जैसे ही मैंने हटाया, देखिए दोस्तों इसके अंदर जो है E6 जो एरर कोड इंडिकेट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर जो है E6 एरर कोड जो है इंडिकेट हो रहा है, और जैसे ही वापस मैं इसके अंदर लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैं इसके अंदर लगाता हूँ तो आप देखना दोस्तों हमारा E6 एरर कोड जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इसके अंदर लगाया, जैसे ही इसके अंदर मैं दोनों ये मुंह लगा देता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने ये जो इसके अंदर दोनों है जो ये हमारा प्रेशर स्विच के दोनों जो है वायर इसके अंदर अटैच करता हूँ, हमारी मशीन जो है ऑन हो जाती है। इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो मशीन जो है दोस्तों E6 एरर जो है वो हमारे प्रेशर स्विच के लिए होता है। आप इसका प्रेशर स्विच है बदल दें। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो लास्ट तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।